हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सुप। सो आए हो गए सब अच्छे होंगे। सो गए, जैसे कि आप देख पा रहे हम लोग फिर से आ चुके हैं पबजी ग्लोबल बीटा वर्जन में 0.17.0। और आपको पता ही होगा मैं ऑलमोस्ट सब फीचर से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ 0.17.0 का अपडेट के लिए। और बहुत जल्दी हम लोग अपडेट आ जाएगा, कोरोना वायरस के चलते थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो अभी भी किसी को भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, क्योंकि वही वायरस के चलते इधर उधर डिले हो रहा है। तो आप मेरे को कमेंट मत कीजिएगा कि कब आने वाला है। जब ऑफिशियली पता चल जाएगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा। तो डिले होने का एकदम चांस बनता ही है, क्योंकि आपको पता ही है क्या हो रहा है। तो इसलिए अभी हम लोग को किसी को भी ठीक से नहीं पता कि कब अपडेट आने वाला। कोई कोई बोल रहा कि ये महीना आएगा ही नहीं अपडेट, मार्च में भी आ सकता। कोई कोई बोल रहा 19 फरवरी या 20 फरवरी तक भी अपडेट आ सकता। तो किसी को भी एक्यूरेट नहीं पता कि कब अपडेट आने वाला, बट जब भी आएगा आपको ये सब फीचर तो देखने को मिलेगा, इसे चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट जितना भी फीचर ये 0.17.0 में आने वाला, तो मैं ऑलमोस्ट सबका रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो तो बना चुका हूँ। सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप कोई भी वीडियो मिस कर चुके हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो एक फीचर का वीडियो मैं बनाने भूल नहीं गया था, एक्चुअली मुझे पता था, बट आप बोल सकते कि ये जो पबजी का बीटा वर्जन, इसमें मैच मेकिंग बहुत डिले होता है, कभी कभी तो होता ही नहीं, पूरा दिन मैच मेकिंग होगा ही नहीं। तो इसलिए ये वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फाइनली कल शाम को एक मैच हुआ था, जिसमें जो नया वाला फीचर है टीममेट वॉइस कंट्रोलर, इसका यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली टीममेट वॉइस कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा जब आप स्क्वाड खेलते हैं तो ये होता है कभी कभी आपका एक टीममेट का वॉइस बहुत ज़्यादा आता है, दूसरा का बहुत कम आता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप वॉइस कम करना चाहते हैं दूसरा का, तो मेन वाला कंट्रोलर से ही कमाना होगा, जिससे ये होगा कि जो कम आ रहा था तो और कम हो जाएगा, जो ज़्यादा आ रहा था वो आ जाएगा। तो मतलब ऊपर नीचे हो जाता था वॉइस, तो एक्यूरेट नहीं बैठता था जो आपको वॉइस चाहिए गेम प्ले के लिए। और अगर आप डिस्कॉर्ड सर्वर यूज़ करते तब तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत कम ही लोग हैं जो डिस्कॉर्ड सर्वर यूज़ करते गेम प्ले के टाइम, क्योंकि बहुत लोग रैंडमली खेलते हैं, तो ये वॉइस कंट्रोलर आपको चाहिए ही था। तो अभी ये होगा कि ये जो फीचर मैं आपको दिखाने वाला, इसमें ये होगा कि जितना भी आप प्लेयर के साथ खेलेंगे, मतलब आप को छोड़ के बाकी तीन प्लेयर का जो वॉइस कंट्रोलर ऊपर दिख जाएगा। और पहले क्या होता था, आप एक बंदे को म्यूट कर सकते थे पूरा, बट उसका साउंड नहीं घटा सकते थे। अगर आप साउंड घटाने जाएंगे तो पूरा सबका तीनों का तीनों साउंड घट जाएगा और आपको कम सुनाई देगा। तो आप कभी कभी ये होता कि कोई बंदे का साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा, तो पर्टिकुलरली वो बंदे का साउंड को आप बढ़ा या कमा सकते हैं। ये फीचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ज़रूरी होता है स्क्वाड में। और जैसे कि आपको पता होगा पबजी एक ऐसा गेम है जहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी पड़ता है, तो इसी चलते ये फीचर बहुत काम करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि मैच मेकिंग होता है कि अगर मैच मेकिंग हो जाता तो मैं यही वीडियो में दिखा दूंगा कैसे होगा वो फीचर, नहीं तो मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके रखा हूं, उसका मैं वॉइस ओवर दे दूंगा। तो एक बार डेफिनेटली ट्राई करने वाला। एशिया के सर्वर में तो मैच मेकिंग हो ही नहीं रहा, नॉर्थ अमेरिका के सर्वर में मैं देखता हूं, अगर लग गया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसका मैं यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूं। Just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold. ओके गाइज, रहने दीजिए, ये मैच मेकिंग नहीं होगा। कल किस्मत अच्छा था, मेरा एक मैच मेकिंग हो गया जिसका बदौलत मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ। तो मैं आपको अभी वॉइस ओवर देने वाला एक वीडियो दिखाता हूँ, उसी का बेसिस में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग का नॉर्मल मैच में हम लोग आ चुके हैं, जिसमें तीन रैंडम बंदा आप देख पा रहे। तो जैसे आप पहले वॉइस कंट्रोल करते जहाँ ऑल चैट करते हैं या उसके बाद टीम मेट चैट करते हैं, तो उसमें आपको जाना होगा। और उधर जैसे आप टीम मेट वॉइस कंट्रोल में जाएंगे तो आपको पहले म्यूट का ऑप्शन आता था, एक एक करके आप किसी को भी म्यूट कर सकते थे, कौन सा प्लेयर को आप म्यूट करना चाहते थे। तो अभी उसका जगह आप देख पा रहे एक वॉइस कंट्रोलर टॉगल बार आ चुका, जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते, जैसे वॉल्यूम का कोई भी मीडिया प्लेयर होता है या कोई भी एप्लीकेशन होता है जहाँ वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं 100%, 60%, 50%, तो वैसे आप हर एक बंदा का इंडिविजुअली आप वॉइस अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, इधर तो कोई बंदा बोल नहीं रहा क्योंकि ये बीटा वर्जन है और रैंडम सा कौन सा कोई बोल नहीं रहा, बट अगर आप ग्लोबल जब ये आएगा फीचर तो आपको पता चल जाएगा कि वॉइस अप एंड डाउन हो रहा है। जो बंदा का वॉइस जो ज़्यादा आ रहा है उसको आप कम कर सकते, किसी का वॉइस अगर कम आ रहा तो उसको बढ़ा भी सकते हैं 100% कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर म्यूट करना चाहते तो उसको जीरो में सेट करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। तो पहले वाला फीचर तो है ही, उसके साथ साथ एक टॉगल बार भी दे दिया गया है जिसके बदौलत आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा फीचर आपको लग रहा होगा बट बहुत ही यूजफुल फीचर है, खासकर उन लोगों के लिए जो बंदे केवल गेम का वॉइस कंट्रोलर यूज़ करके बात करते हैं, डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं करते। मैं भी खुद डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं करता ज़्यादा, तो इसी चलते आप बोल सकते ये जो पबजी का खुद का जो वॉइस कंट्रोलर या वॉइस मैपिंग जो भी है, इसका बदौलत हम लोग ये चीज़ को कर सकते हैं। और ये टॉगल बार बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि ये अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये फीचर, बहुत ही जल्दी हम लोग का अपडेट आ जाएगा, बट थोड़ा सा आपको वेट करना होगा क्योंकि आपको पता बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है। तो अभी इधर डेट वो डिले हो सकता है, बट हम लोग को कोऑपरेट करना होगा क्योंकि इसमें
उन लोग का भी कोई गलती नहीं, पबजी खुद चाहता है कि आपका अपडेट दे, बट उन लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। अब तक सब कुछ सेटल ना हो जाए तो आपको कैसे अपडेट दे सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ये फीचर थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दिया, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एकदम रॉकेट साइंस वाला फीचर नहीं है, बस आपको देखना है और आपको कम ज़्यादा करना, वो फीचर आपका काम करने लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव छोटा छोटा इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, और बड़ा तो वीडियो मैं बनाता हूँ, बट छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट होता है पबजी में जहाँ आपको समझ में नहीं आता, तो डेफिनेटली वैसा वीडियो का अगर नीड है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो भी कवर करता हूँ, जिससे आपका छोटा जो प्रॉब्लम होता है वो कवर हो ही जाता है, और बड़ा प्रॉब्लम तो मैं बनाता ही हूँ वीडियो। तो डेफिनेटली अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे अगर YouTube आपको नोटिफिकेशन देना भूल जाता है तो मैं आपको मतलब टेलीग्राम का यूज़ करते हुए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इवन आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।